इंदौर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में अच्छा कार्य कर रही है, वहीं भाजपा काफी परेशानी में चल रही है, इसीलिए प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं के दौरे चल रहे हैं। हम तो आज उमंग सिंघा जी के नेतृत्व में जो रैली हो रही है उसमें जा रहे हैं। उन्होंने हमको न्योता दिया था आने के लिए, इसलिए हम जा रहे हैं। वेलकम। आज सुप्रीम कोर्ट का दिन था, मंडे था, हम काम छोड़ के आए हैं और इसलिए आए हैं कि हमको लगता था कि उस क्षेत्र में जाना चाहिए। उमंग हमारे अच्छे मित्र भी हैं और एक बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे लगता है कि और कांग्रेस इसको अच्छा कर रही है। सर, आज प्रधानमंत्री का दौरा भी है, आपके पास दिल्ली में वो तो बेचारे करेंगे, दौरा बहुत करेंगे, अभी चारों करना भी पड़ेगा क्योंकि बहुत परेशानी में है उनकी पार्टी। सिंधिया का लगातार ग्राफ कम होता जा रहा है, उनके जो समर्थक है वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। अब आई थिंक वो चर्चा से ही बाहर हो गए हैं, मतलब उनकी अब चर्चा कहाँ हो रही है। कई मीम्स बनाकर वायरल वीडियोस किए जा रहे हैं कि कांग्रेस लगातार नंबर डायल कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय का। नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ किया उन्होंने, बट ठीक है, उन्होंने अपना जो निर्णय उनको लेना था हमने लिया, बट अब एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है। क्या लगता है भैया, कितने सीटें आ सकती है कांग्रेस की? ये तो वक्त और जनता बताएगी, मगर बहुत अच्छी आएगी। बता दें कि प्रदेश में बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेसी इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए टोनी वेट की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।